अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहीं अतीत तुम्हें डरा तो नहीं रहा ना? नंदन, प्लीज यहाँ से चलो। यहाँ के बाद जिन अतीत के पन्नों को तुमने देखा भी नहीं, हमने उसे तिल तिल जिया है। हम अतीत को दोहराना नहीं चाहते, हम उन यादों को याद नहीं करना चाहते। प्लीज नंदन, प्लीज चलो यहाँ से। रिलैक्स, मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था कि हम उस पल को याद कर सके जब हम अलग हुए थे। नंदन, याद तो उस बात को की जाती है ना जिसे भूल जाते हैं। प्लीज चलो यहाँ से, हमें यहाँ और एक पल नहीं रुकना। चलो यहाँ से नंदन, प्लीज। विधाता, एक दिन संभाले ना संभाला गया हमारा बच्चा, और एक ना एक दिन तो ये होना ही था। जाने वो लड़की को कहाँ लेके गया होगा हमारा नंदन, और कहाँ चल रहा होगा उसका उसका दिमाग में। दिमाग का ही तो सारा प्रॉब्लम है। नंदन के लिए किसी भी तरह का शौक या तनाव ठीक नहीं होगा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सुना, मैंने आप लोगों को पहले ही वॉर्न किया था, अगर आप लोग कहें तो उसे मेरी ही देखरेख में रहने दीजिए। तानिया, तुम नंदन को घर वापस लेकर आए, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात हम सब जानते हैं कि सुमन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नंदन सुमन के साथ सेफ। पर हम सेफ रहने नहीं देंगे, परेशान तो सुमन होगी और ये परिवार भी देखेगा नंदन किसके साथ सेफ है। आपने बहुत कठिन परीक्षा में डाल दिया है भोलेनाथ जी, पूरे परिवार को हम पर विश्वास है, लेकिन हम खुद पर ही विश्वास नहीं बना पा रहे। नंदन, ये तुम क्या कर रहे हो? हेलो मिस सुल्तानगंज, सर जी के बगल वाली सीट पे बैठी हुई लड़की की नजर अगर सर जी पे ना हो तो ये सर जी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ओके, कट इट मिस सुल्तानगंज। दूसरी बात ये है सर जी कि अब हम मिस सुल्तानगंज नहीं रहे, अब हम मिसेस भागलपुर बन गए। ऐसी बात है मिस सुल्तानगंज, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मिस सुल्तानगंज से मिसेस भागलपुर बनने में अभी वक्त है, क्यों? अभी तक तुमने वो दूरी तय नहीं की, सो इसलिए तुम्हें कुल देवी का पूजा का इंतजार करना होगा, राइट? यू नो ना, घर वालों का नियम। और जिस तरह से तुम उस पल का इंतजार कर रही हो सुमन, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। नंदन शायद गलत समझ रहा है। एक मिनट सुमन, तुमने कहा कि दूसरी बात, तो पहली बात क्या थी? नंदन, इस परिवार के लिए सुमन को ना जाने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और मैं बस ये सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा।
सुमन तुम ठीक हो ना? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो तुमसे बात करने के धुन में दिखाई नहीं दिया, बाइक वाला सामने आ गया, लेकिन वो भी ठीक है। हम ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, तुम्हारे मूड को और अच्छा बनाने के लिए पास वाले मार्केट में कमाल का गोलगप्पे वाला है, वहां पे चल के गोलगप्पे खाएंगे। ओके, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही काम करना। नहीं नंदन, अभी हमें घर चलना चाहिए। जैसे तुम हमें घर से लेकर आए हो, पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हेलो, मैं किसी और के बीवी को लेकर नहीं आया हूँ। मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ। इतने दिनों बाद हम मिले हैं, जैसे डेट पे आए हैं, वो बस ये समझ लो। प्लीज डेट खराब मत करो यार सुमन। वो सब ठीक है नंदन, लेकिन सुमन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा साथ या मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही? नंदन, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ भी सोचते हो तुम। अभी इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, इसलिए हम थोड़े अपसेट हो गए थे, बस और कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चले गोलगप्पे। सुमन जी, शादी की बहुत बहुत बधाई, हम आ नहीं पाए, लेकिन चलो शादी तो अच्छे से हो गई ना। अंशुमन कहाँ है? नहीं आंटी जी, शादी अभी तक हुई नहीं है। वो एक्चुअली मुझे आने में देर हो गई थी ना, तो शादी नहीं हो पाई। बिग्बी के बेचारे के साथ हमेशा ऐसा ही होते रहता। लेकिन शादी तो आंटी, शादी तो पहले ही हो गई थी। थैंक यू, आप हमारे नेक्स्ट फैमिली फंक्शन में आना मत भूलिएगा। हाँ थैंक यू। नंदन, गोलगप्पे नहीं खाने क्या? चलो। भैया एक प्लेट गोलगप्पे दीजिएगा। अब मैंने तो तुम्हें खिला दिया, अब तुम मुझे खिलाओ। अब तुम्हारी बारी। चलो पापा। और कम ऑन यार सुमन, तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो? नंदन तुम कुछ भी बोलते हो। भैया एक पीस गोलगप्पे हमें भी देना, इस बच्चे को अपने हाथ से खिलाना पड़े। देखिए पलकों की छांव में टू सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।